चलो कल करे थे क्वेश्चन, दोहराए थे परसों भी, दोहराए होंगे ना, देखे थे मतलब करवा के कल थर पे, है ना। एक छोटी सी चीज सारा ध्यान नहीं थी, पढ़ लिया करो घर पे, है ना। ठीक है, देखो कल वाला क्वेश्चन है, हो गया हो गया तो ए अनुपात बी वाला। और जो आज एक लड़का नया आया है, कहाँ पे है, हाँ जी आप, एक मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो आपको मैं बता दूंगा, अभी वो देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले जो कल की क्लास थी आप देख लोगे, कोई बात नहीं। तो देखो एक बार मैं कल बता रहा था कि जब अपना वो टेक्निकल फॉल्ट हो गया था ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक बार और जल्दी से बता दू, 10-15 मिनट है आपकी, रिवाइज हो जाएगा। हमने किस तरीके से करा था, ए और बी का रेशियो क्या था भाई, एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दू मैं कल, बाकी मैंने बता रखा है कि आप क्या लिखोगे, ए और बी ऐसे लिखोगे ना, 3 और 5, और फिर बी और सी है तो बी के नीचे लिखना है, बी की वैल्यू कितनी 4 और सी कितना 7, है ना। तो भाई 5 के पीछे खाली जगह है और 4 के आगे खाली जगह है, इस तरीके से गुणा करनी थी, 4 3 12, 5 चौका 20 और 7 पंजे 35, 12 20 35, इस तरीके से अपना हो गया था। कल मैंने कल वाले में बता रखा है कि ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है भाई, और ए बी सी का आपको बताना है, कल वाली क्लास में मैंने बता दिया था, पिछली क्लास एक बार मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, देख लेना उसमें, ठीक है ना, और अच्छे तो हो जाएगा। देखो मैं पेपर की बता रहा थोड़ा इस तरीके से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। अब उसने बताया ए बी सी क्या होगा, ठीक है, मैंने लिख कर करना तो आ गया ना पेपर में। देखो ऑप्शन का फायदा हमने किस तरीके से उठाना है, देखो बी और सी का अनुपात 4:7 है ना, ये तो 4:7 होगा बी सी का, तो अब 20 और 35 आ गया, अगर मैं इकला बी सी का पूछूं तो 5 चौका 20, 5 सते 35 रहना, तो 4:7 है ना बी सी का, तो देखो क्या इसमें 4:7 है, नहीं है, बी और सी का 9 और 14 है, कटते नहीं भाई, इसमें 5:7 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, बच गया कौन सा, 5 चौका 20, 5 सते 35, इस तरीके से मैं इसमें पेपर में कर सकूं। एक बार आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे कर सको, अगर ऐसा आ जाता तो कि भाई बी और सी का ए और किसका 3:5 होना चाहिए, ए बी का भी 3:5 होना चाहिए, ठीक है, ए बी में 3:5 यहाँ पे बन रहा था और यहाँ पे बन रहा था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपने फिर बी सी का भी देखना पड़ता, और बी सी का 4:7 है, ठीक है, 5 चौका 20, 5 से 35, देखो एक बार किस तरीके से। अब ये क्वेश्चन है, खैर इसमें तो ए डी पूछा, आपने निकालना तो आना चाहिए ना, कि आपने निकाल दिया था भाई 2 3 लिख के, इस तरीके से एक बार फिर बता दू, ए और बी आपने लिखा था कितना 2 और 3, फिर बी और सी लिखा था कितना 4 और 5, और सी और डी लिखा था 5 और 9, सी के नीचे सी लिखना है जो वैल्यू, और डी मैंने कल बता रखा है, देख लोगे तो अच्छे तो हो जाएगा, ठीक है ना भाई, हाँ जी। तो 5 के पीछे खाली जगह है 5, 3 के पीछे और 3 के फिर पीछे भाई, 4 के आगे है और 5 और कितना 5, देखो ये चीज कहाँ पे काम आओगी, मैंने एक चीज बताई थी कल भी कि जो ये वाला कॉलम है और ये वाला, इनमें से कोई भी एक अक्षर उठा के, इसमें से भी कोई भी एक, इसमें से भी कोई भी एक, अगर वो कटता हो ना तो उसने काट लिया करो, गुणा तो ये करनी है, अगर कटता हो तो उसने काट लिया करो भाई, ठीक है, आपका फायदा हो जाएगा। अब 5 चौका 20 दूनी 40 ऐसे लिखते हैं, बट एक मैंने देखा कि यहाँ से 5 कट रहा है, यहाँ से भी 5, इसमें से भी एक 5, इसमें से भी एक 5, है ना। कहने का मतलब है अगर इन तीनों में कोई भी एक हो और इसमें कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक, सारे मत एक एक कटना चाहिए, जब आप काट सको हो, ना कटता हो तो गुणा कर लो, है ना भाई, 4 दुनी 8, 4 तीये 12, 5 तीये 15 और 9 तीये 27, उसने ए और डी पूछा तो ए उठा लो 8, डी पूछा अनुपात कितना 27, अगर नहीं कट रहे हैं तो 8 अनुपात 27 आप छोड़ दो, ठीक है, ऐसे हुआ था। थोड़ा सा स्पीड क्यों कर रहा हूं भाई, क्योंकि पहली क्लास में अपने ही सारी चीजें हो चुकी हैं, वो देखने के बाद आज दोनों देख लोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक, हाँ जी। चलो थोड़ा सा और, ये ए बी ये वाला भी हो गया था ना, हाँ, ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली थी, ए बी बी सी की, और फिर इसमें रख दिया था, ठीक है, हाँ जी। चलो अब देखो थोड़ा सा, ये वाला था आपने करा ए बी बी सी वाला ना, हाँ हाँ हो गया था, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं ऑप्शन तो बता रहा हूँ, डी सी बी ए पूछ रहा था ना वो, तो देखो भाई सी डी का अनुपात कौन सा भी उठा लो, देखो ए बी का 1 2 होना चाहिए, तो अरे इसने पीछे से शुरू कर रखे हैं इस तरीके से, ए बी और चलो ठीक है, एक बार कौन सा, ठीक है, अब इसने बोला ए और ये वाला बी ना,
और ये सी, और ये क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो ए बी का अनुपात एक दो होना चाहिए भाई, एक दो यहाँ पे बन रहा है, एक दो बन रहा है, एक दो बन रहा है, एक दो बन रहा है, नहीं देख सकता। बी सी का तीन चार होना चाहिए, बी और सी का तीन चार, देखो तीन और चार नहीं है भाई, तीन और चार नहीं है भाई, नहीं है भाई, तीन और चार आंसर हो गया। बात कुछ समझ में आई? आप ए बी लिखते, ए बी बी सी सी डी ऐसे लिखते ना, ऐसे करना। आपको तरीका तो मैंने बता दिया, अब मैं वैसे करने बता रहा हूँ भाई आपको, कि मैंने अब मैं डायरेक्ट ए बी क्यों नहीं उठाता, क्योंकि ए बी वो दे पावर है, या तो मैं सी डी वगैरह उठा लिया करूँ, बी सी उठा लिया करूँ। ठीक, मैंने सर डायरेक्ट बी सी का अनुपात तो तीन चार रहा होगा ना भाई, बी और सी का तो तीन चार रहना था। अब बी और सी ये हैं, तीन और चार होना चाहिए, चार पांच था, दो तीन था, इस तरीके था ना। बात को समझ में आई? ये नहीं, आंसर ये भी यहाँ पे तो है, ये अपना ठीक होना था यहाँ पे। ठीक, समझ गए होगे पक्का? चलो फिर ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बता दियो। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा देते, और आपका आंसर कौन सा देता है, ये बड़ा था ना, चार। हाँ जी ठीक है, आगे चलें भाई। हाँ चलो, ये भी हो गया था, अरे ए की वैल्यू दो, बी की तीन, बी की चार बन गई थी, तो ए भी लिख का आपने ऐसा करना पड़ा था, ठीक है ना। क्या करना पड़ा था भाई आपको, ए और बी का निकालना पड़ा था। एक बार और करवा दूं, ए और बी ऐसे लिखा, ए अनुपात बी कितना, ए के सामने दो है तो दो, और बी के सामने तीन है तो कितना, तीन, और बी के सामने चार है तो बी के नीचे चार, और सी के सामने पांच है तो पांच, तीन के पीछे खाली जगह है, चार के आगे खाली जगह है, चार दूनी आठ, चार तीय बारह, और पांच तीय कितना, पंद्रह, आठ बारह पंद्रह। और इसमें पूछा ए प्लस बी और बी प्लस सी, देखो अब मैंने लिखा आठ बारह पंद्रह ऐसे करा, बाकी आप वैसे भी कर सको थे, कोई नहीं, पर नहीं कर सको थे क्योंकि बी की वैल्यू या दो लेते या चार लेते, नहीं कर सको थे, ये निकालना ही पड़ेगा, आठ बारह और पंद्रह। ए प्लस बी, आठ और बारह कितने हो गए, बीस, रेशो बी और सी, बी कितना आया, बारह और पंद्रह कितना, सत्ताईस। अगर कटते हैं तो काट दो, ना कट रहे तो बीस और सत्ताईस मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ लियो, अब आगे फिर आप और अच्छे से समझोगे भाई इसमें, 20 और 27। अच्छा ए बी सी, और यू हमने कल पता चल गया था कि अगर इनके नीचे है तो डायरेक्ट वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू दो हो जाएगी, बी की तीन और सी की पांच, इसमें हमने पता चल गया था भाई। और पांच और तीन आठ और दो दस, दस बटे सी, सी कितना है पांच, दस बटे पांच कितना, दो, तो मेरा आंसर कितना हो गया, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से कल हमने कराया था, थोड़ा समझ गया होगा वो, क्या नाम है, अंकुर, कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है भाई, रेशियो निकालना है बस। अच्छा, दो ए बराबर तीन, बी बराबर चार, सी, यहाँ पे हमने करके देखा था ए बटा बी करके, है ना। देखो हमने क्या करा था भाई, इसमें थोड़ा सा बताऊं, दो ए बराबर तीन भी था, ऐसा कुछ था भाई आपका, तो मैंने बताया था एक बार ए और बी बनाते आप, है ना, ए और बी बनाते तो तीन तो उधर ही रहेगा भाई, और ये दो नीचे चला जाएगा ना, देखो मैंने ये दो उठा रखे हैं, दो ए बराबर तीन बी, एक बार ये उठा रखे हैं भाई अपने स्टेटमेंट में, तो मैंने पहले ये दो उठाए, तो इसमें तो ये दो नीचे ले गया मैं, ये देखो ये आ गया, और तीन वहीं पर है, ए और बी बना लिया मैंने, क्योंकि मैं ए और बी की वैल्यू जानना चाह रहा था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए अनुपात बी लिख के, और कितना लिखूंगा, तीन और दो। देखो अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यू तीन नीचे, यू तीन नीचे आओगा, और यू है ना, यो सॉरी तीन, ये बी नीचे आओगा और ये दो उसके नीचे जाओगा, तो ए के सामने तीन तो रहेगा और बी के सामने कितना रहेगा, दो रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं बी और सी का लूं तो बी के सामने तो चार रहेगा ना, और सी के सामने कितना होगा, तीन आओगा, बी के सामने कितना रहेगा भाई, चार, और सी के सामने कितना होगा, तीन। बात कुछ समझ में आई? अब मैंने वो ए बाई बी नहीं लिखना पड़ेगा, ए बटा बी नहीं लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट अब क्या करूंगा यहाँ से, अब मुझे पता चल जाएगा भाई ए की वैल्यू कितनी बननी है, तीन बननी है, तो ए और बी ऐसे लिखूंगा, ए की तीन बननी है भाई, और बी की कितनी बननी है, दो बननी है, यहाँ पे बी की कितनी बननी है, चार बननी है, यहाँ पे सी की कितनी बननी है, तीन बननी है, तो यहाँ पे सी लिख देता है मैं से, और पीछे खाली जगह है, आगे खाली जगह है, चार तीय बारह, आठ और छह, कटते हो तो काट दो, तीन और चार और छह, छह चार तीन, और ए बी सी पूछा उसने, छह चार तीन, मेरा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबके? ठीक है, थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि कल हो गया था, इस वजह से। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी, तीन चार सात था, यानी ए की वैल्यू तीन, बी की कितनी, चार, और सी कितनी, सात, ए प्लस बी प्लस सी, सात और चार ग्यारह, तीन चौदह, और बटे सी, सी कितना, सात, चौदह बटे सात कितना आंसर आया,
दो, देखो 14/7 दो आया ना और बटे में 7 था, 2/1 बचा ना, तो दो रेशियो में हम नहीं कह सकते इसको, अगर रेशियो में बताना हो तो हम खाली दो नहीं कहेंगे, इसका मतलब भी क्या होता है, 2:1। कल भी मैंने बता दिया था अनुपात का मतलब, अगर मैंने लिख दिया 4:7 तो इसका मतलब क्या है, 4/7, तो 4/7 का मतलब भी तो ये होना चाहिए ना, 4:7। कल हमने बता दिया था यहाँ पे अपना जोड़ा आपने बनाया था कितना बना 14, और अनुपात सी है तो 7 लिख दिया, कटते हो तो काट दो, 7 एकम 7, 7 दुनी 14, 2:1 मेरा आंसर हो जाएगा, 2:1। बात समझ में आई? ठीक है ना, हो गया था ना। चलो आगे देखो, ये वाला विकल्प मैंने बता दिया था कि रेशनलाइजेशन होगा, ठीक है ना, और 2+√3 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 2 बनेगी और बी की वैल्यू 1 बन जाएगी, वो आपके क्वेश्चन में मैंने दे रखी वीडियो, वहां पे समझ लियो। अब थोड़ा रेशियो का आइडिया करवा रहा था मैं आपको, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, और आपको पता चल जाएगा ए और बी बोला ना, ए कितना बन जाएगा 2 और बी कितना है 1, 2:1 आंसर इसका आपकी वीडियो में भी है वो चीजें, ठीक। ए बी और बी सी इतना है, ए सी का मान ज्ञात करना, मेरे ख्याल से अब आप कर लोगे, 2 और 3 लिख के इसके नीचे 2 और 3 लिखोगे, और कितना 4 और 5, अब 3 के पीछे खाली जगह है, 4 के आगे है, तो 4 दूनी 8, गुणा ऊपर लिखा है भाई 12, 5 3 15, वो समझ गए होगे ना, मैंने गुणा करके ऊपर लिखा है बस, 8 12 15। ए और सी पूछा है 8 और 15 कटते हो तो काट दो, नहीं कटते तो मत काटो, 8 और 15 हो जाएगा, बात समझ मान लग रही है, ठीक है 8 15। और कब तक समझ में नहीं आओगी, जब तक देखो अब मैं यहाँ पे हूँ और आप समझाती बैठे हो, मैं समझाती हूँ तो मैं समझाऊंगा ही, वो आपके दिमाग में आनी है, एक बार नहीं आओगी मैं 5 बार बैठाऊंगा, बट आपके जाते ही जो ये वो ना बाहरी प्रक्रिया जो मतलब जो क्या बोलते हैं पैशाचिक प्रवृत्तियां आपको घेरने लगती हैं और आपके जो ये क्वेश्चन वो बाहर निकल जाते हैं, फिर आप घर पर जरा जाकर उनको दोहराओगे तो फिर अच्छे से कर पाओगे आप उनको, ठीक। अगर घर पे नहीं दोहराओगे तो कुछ भी नहीं होगा, जो जो भी मतलब रिवीजन नहीं करेगा ना वो खत्म हो जाएगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो कोई भी, ठीक है ना, बनना उसके बाद एक जगह पे बने रहना, दोनों में फर्क है कि आप तैयारी करके एक बार सीख लिया और उसको सीखे रहना, इन दोनों चीजों में फर्क है भाई, आपने बार बार रिविजन करके ही आप कर सकते हो, कोई भी कितना ही बढ़िया टीचर बना हो, कोई कितना बढ़िया स्टूडेंट बना हो, किसी ने कुछ भी करा हो एक काम जरूर करा होगा रिविजन का, यो तो मतलब जरूरी है रिवीजन बार बार, ये जरूरी है वो मस्ट है भाई, वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ जी चलो थोड़ा सा ये भी हमने कल कर लिया था ना, रेशनलाइजेशन सॉरी, आपको पता था कि आधार बराबर है और इसका मतलब भाग होता है, कल आपने कर लिया था, वीडियो की बात है कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। 7 हो गया था 5 हो गया था, 2 की 2 बच गया था, 4 1 आ गया था, देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना, 4 1 बनना है वो आसान है बिल्कुल, कि 2 की पावर 2 लोगे और 3.5 की गुणा 2 से होगी 7 बन जाएगा, 7 में से 2 की पावर 5 घटेगी, 2 की 2 है ना, 2 की 2 4 और 4/1 4:1, कल आपका हो गया था, ठीक है। हाँ जी ये क्वेश्चन चलो ठीक है, इसने बताया भाई, कल इसमें कुछ डाउट रहेगा वह इसका लड़के का, एक बार देखो आप इसको। हाँ देखो मैं क्या चीज बताना चाह रहा था, अगर आप घर पे पढ़ के आ रहे होगे ना भाई तो आपको, अच्छा मैं कल सोचना लग गया, मैं कल मैंने इनको क्वेश्चन दिया ट्रेन वाला निकाला नहीं, मतलब ध्यान नहीं करा इन्हें, तो मैंने कल सोचा मैं यार इतने दिन हो गए मैं मैथ पढ़ाते हुए, 1 महीना हो गया और मतलब 1-1.5 महीना हो गया, कोई डाउट ना लेकर आता, तो इसका मतलब यो ना था कि सारे समझ रहे हो, इसका मतलब यो था कि पढ़ कोई नहीं रहा, मैं कि क्वेश्चन दे रहा हूँ इनमें ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना लेकर आ रहा है ना, तो आप उस चीज का फायदा नहीं उठा रहे, किस चीज का, कि जब सेंटर्स पे जाओगे कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप पढ़ का है कि नहीं पढ़ का है, डाउट ले का है कि नहीं ले का है, और यहाँ पे आप ठीक है मैं करवा सकूँ तो आप करके नहीं आ रहे क्वेश्चन ने, एक बार जो मैं करवाऊँ वो करते रहो, जो मैं करवाऊँ ना पढ़ते रहो, एक बार जब आपको कुछ और पढ़ना होगा तो भी मैं बता दूंगा कि ये चीज पढ़ो, फिर जो मैं बता रहा हूँ ना मैं तो कम से कम डाउट ले आओ एक बार, है ना, डाउट ये नहीं कि भाई अब ये चीज है कि भाई 1-2 आ रहा है तो मैंने पता चल गया, यूँ नहीं कि जानबूझ कर डाउट बनाओ, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, बट मैंने इतना तो पता है तो मेरे दौरान लग रही कि पढ़ कर नहीं आते घर पे, ठीक तो पढ़ कर आया करो अब तक डेली, ठीक है ना, और मैथ के भी आप अब तक चेक होने लगेंगे, हाँ ठीक है भाई मैं भूल गया था, रेशियो शुरू हो गया आपका, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा एक अपनी नई कॉपी आपको लगानी पड़ेगी मैथ की, 5-10 जितने भी मतलब भाई 50-60 जितने भी आपका खर्चा होगा आपको करना पड़ेगा, कल
कल से आपकी मैथ के पीरियड में कॉपी चेक होगी भाई, ठीक है? क्या चीज चेक होगी? कॉपी। यह बात कान खोल कर सुन लियो, अगर नहीं कर काओगे तो पिटोगे, ये बात अपने याद कर लियो, ठीक? और पिटना भी एक दो बार है, फिर उसके बाद अलाउ नहीं होगा, ठीक है भाई? इसने पूछा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, 4 की पावर कितना? 3.5। हाँ जी, देखो देखो, इसका मतलब रेशियो अनुपात का मतलब मैंने बताया भाग भी होता है, भाग में होता है ना, तो ये क्या था भाई, 4 की पावर, थोड़ा सा बड़ा कर लो भाई इसमें, ठीक है, और चेंज करना बता दो, ठीक है भाई? हाँ, 4 की पावर थी भाई 3.5, और 2 की पावर कितनी? 5। अब थोड़े अक्षर हो गए ना बड़े, ठीक, 2 की 5। तो जब हम वो चैप्टर कर रहे थे अपना भाई, सर्च वाला, घातांक और करनी वाला, तो हमने बताया था कि अगर आधार बराबर हो और भाग में हो तो पावर घट जाए अपने भाई, तो आधार बराबर करने की दो की दो बनाना पड़ेगा ना, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई, और पूरे की पावर कितना? 3.5, और नीचे कितना? 2 की 5। तभी हमने ये करा था, अगर पावर इस तरीके होते हो तो वो गुणा हो जाया करें, अगर इस तरीके तो होंगे तो क्या होंगी, वो गुणा हो जाएंगे भाई, गुणा। तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3.5 की 2 से गुणा होगी तो 7 बन जाएगा, 2 की पावर 7, और नीचे क्या बचेगा भाई, 2 की पावर 5, है ना? अब आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया तो पावर घट जाएंगे भाई, 2 की पावर 7 और -5, और नीचे क्या बचा? 1, क्योंकि अब अनुपात बनाना, इस वजह से 2/1 लिखना चाह रहे हूं मैं। देखो भाई, है ना ना, देखो देखो, चल अब इसने पूछा भाई 1 कैसे बचा, चल इसका जब हमने सर्च में कराया तब भी बताया था, तो मैं बता दूं एक बार, इसमें सोल्व कर, तू 2 की पावर 7 में सोल्व कर, 2 कितनी बार आओगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसका मतलब ये होगा, ठीक है कृष्ण? 2 की पावर 7 का मतलब 2 7 बार गुणा है, या आप 128 निकालते, वो चीज अभी नहीं करनी, ठीक है? नीचे क्या है, 2 की पावर 5 है, 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, ठीक है? इतना है, तो इसने मैं सोल्व करने की कहूं तो तू कहेगा जी 2 तो 2 काट दो, इस 2 तो ये 2 काट दो, ना भाई अब कुछ नहीं बचा, नहीं बचा ना, तो ऊपर 2 कितनी बार बचा है, 2 बार, अरे चाहे तो मैं इसमें 2 बार ऐसे लिख दू ना, 2 की पावर 2 बार, या फिर मैं लिखता 2 गुना 2 कितना 4, और नीचे कितना बचा है, जब कुछ ना बचा होता 1 तो ये है 4/1, तो 4:1 बन जाता है, क्लियर? हाँ जी, ठीक है भाई। तो अब मैं वापस वहां पे आ जाऊं, किस तरीके से 2 बचा पावर का, कि 2 की पावर 7 में थे भाई 5 घटे, 2 की पावर 7 -5, और नीचे कितना बचा? 1 बचा भाई, अब क्लियर है? हाँ जी, ठीक है भाई। तो 2 की 2 आप लिखोगे 4/1, यानी 4/1 की वैल्यू कितनी होगी? 4:1, ठीक है? अब ये चीज जरूरी है भाई, आपके मन के जो भी डाउट हैं वो क्लियर होने जरूरी हैं, तो आप समझ जाओगे कि अब देखो इसने बताया कि पावर तो घट गई, 2 तो नीचे बचना चाहिए, ऐसा सोचा होगा उसने कि पावर तो घट गई, नीचे 2 बचना चाहिए, ऐसा सोचा ना, तो बट नहीं, ये 1 भाई यहाँ पे अपने सारे सारे 2 खत्म हो गए थे इस तरीके से, इस वजह से माइनस हो गया, ठीक है? बात समझ में आ गई, ठीक, 4 और 1 आगे चले अभी, अब चलो ठीक, अब थोड़ा स्लो होना पड़ेगा मैंने, हाँ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज होने लगे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए इसको एक बार रहने दो, 1-2 क्वेश्चन आगे करो, फिर करवाऊंगा इसका मैं 15वां, है ना? हाँ ये रहा क्वेश्चन भाई, चलो लगाओ दिमाग भाई अपना, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं करवा के देखता हूँ इसको एक बार आपको। हाँ जी, क्वेश्चन देख लो, ठीक है, 1-2।
सारे करो भाई, सारे करो। हाँ डालूंगा आज, ये पीडीएफ डाल दूंगा आपकी, जब तक मैं करवा रहा हूँ ना करो अच्छे तरीके, एयरप्लेन की प्रैक्टिस करके आया करो भाई, ठीक है? निकाल कोशिश करो। क्वेश्चन तो देख लिया होगा ना सबने। हाँ जी, एक दो। चल भाई, अरे अरे टूट जाए ना भाई। हाँ ये उठ गया, एक यो एक दो ना। हाँ यो ही था। चलो ठीक है, कोई नहीं, एक दो। हाँ जी, हाँ, थोड़ा तेज बोल लिया कर। चलो देखो, एक बार इसमें देखो। अब ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ बराबर 1:2, है ना? तो इसका मतलब मैंने बता दिया था ना भाई कि ए, यो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चेंज कर लूँ इसमें, कौन सा करूँ? चल ठीक है, काला कौन सा है? ठीक है मामन, ठीक है ठीक। अच्छा मामन ठीक है भाई, काला ठीक है। ए बटा बी और बराबर कितना भाई? सी बटा डी, है ना? और बराबर कितना? ई बटा एफ, और बराबर किसके भाई? 1:2 के, है ना? 1:2 के, है ना? तो यहां पे देखो, अगर मैं इसने उठाना चाहूं ए बटा बी ने, ए बटा बी किसके बराबर है? 1:2 के, यानी ए कितना हुआ? एक हुआ। देखो अब यहाँ पे ए पे जाओगे, सी पे जाओगे, फिर ए कितना है? सी सी कितना? एक। देखो एक चीज इसमें क्या है, ए सी और ई, क्या ऊपर भी ए सी और ई है और तीनों एक के बराबर है, तो तीनों की वैल्यू एक एक होगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक एक लिख दो। एक गला गुणा तीन, ए का मतलब गुणा होया करे भैया, इससे 3 गुणा ए है और 7 गुणा सॉरी 5 गुणा सी है और 7 गुणा ई है, और उनकी वैल्यू रखोगे तो आपने गुणा करना पड़ेगा। तो एक से तीनों की वैल्यू, तो 3 गुणा 1 यानी 3, 3 गुणा 1 3, 5 गुणा 1 5, 7 गुणा 1 7 अनुपात 3 BDF, BDF तीनों ना नीचे है और तीनों किसके बराबर? 2 के बराबर है। तो भाई 3 × 6, 5 × 10 और 7 × कितना आया? 15। कितना आया? कितना बन गया? कितना बना भाई? 1:2। चलो एक चीज समझ में आ गई ना, ऐसे बना, है ना? देखो पेपर में एक चीज बता दी फिर से मैं, अब इस क्वेश्चन में देखो कितना के बदलाव कर सकूं मैं पेपर के हिसाब से, और फिर थम भी समझ जाओगे एकदम से। चलो ठीक है, मैं इसको लिखूं भाई। मैंने यो 1:2 ना देता, मैं अब लिखूंगा ए बटा बी और कितना सी बटा डी और कितना ई बटा एफ, और अब एक एक दो हो गया, समझ में आ गया नहीं हो? ठीक है, इसमें मैं हटा दूं एक बार। चलो एक बार इसमें थोड़ा सा ऊपर जाने दो। हाँ यहाँ पे, और मैं लिख दूं भाई आपका जी बटा एच लिख दूं, बराबर मैं लिख दूं भाई 7/11। कितना लिख दिया? 7/11। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं भाई, एक क्वेश्चन ठीक है, 8A, ठीक ऐसे मैंने लिखा, और प्लस 9C, और मैं लिख देता भाई प्लस, मैं लिखूंगा क्या लिखूं भाई, ठीक है कितना लिखूं, ए सी ठीक है 10E लिख देता मैं, ठीक, और मैं लिख दूंगा भाई आपका, अरे माखी कोई बात नहीं ना भाई, वो गलत काम नहीं करना है अपना, आगे कर दिया। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक।
मैं एकदम तेज क्यों हो गया भाई, ये दुष्परिणाम है भाई इसके, ठीक है। हाँ अगर मतलब नॉर्मल आदमी हो तो घबरा जाएगा, यो क्यों हो गया, ठीक है। हाँ जी देखो 10 ई लिख दिया, और अब आगे मैंने लिखा भाई 11 जी ऐसे लिखा, और नीचे मैं अब क्या लिखूंगा, 8 बी प्लस 9 डी, ठीक है ना, और लिखूंगा मैं 10 F, और मैं लिखूंगा 11 H, तो यो अनुपात बताओ क्या है। हाँ 7:11। देखो अब एक बार देखो भाई, जब मैं समझा रहा हूँ तब मत लिखा करो, जब मैं समझा रहा हूँ तब बोर्ड पे ध्यान रखा करो, ठीक है ना। अगर गर्दन ज्यादा ऐसे हो रही है तो बेंच पीछे कर लो, ठीक है। मैंने अगर अगर तुम्हें डाउट हो तो मतलब यू थरी नाइट दुखती हो तो भाई, देखो मैं क्या चीज बताना चाह रहा था कि अब इनने बता दिया एकदम से 7/11, वरना आप 8/56 करते, 9/7 ऐसे करते ना, इसका आंसर 7/11 ही आना है, आप कुछ कर लो या इसकी वैल्यू रख लो। क्यों? क्योंकि जो काम मैंने ए की केला कर रखा ना, वो एक काम मैंने किसकी केला कर रखा है, बी की केला। अगर वो एक काम मैं सी की केला कर दू, अगर मैं वो एक काम ई और एफ के साथ कर दूं, और वो एक काम इनके साथ कर दूं, तो रेशियो वही आना है जो रहना है। इस क्वेश्चन में वैसे भी दे देगा भाई, अब ऐसे दे देगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, हाँ सॉरी कितना था, सी स्केयर, ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ई स्केयर और प्लस जी स्केयर, ठीक है। और नीचे आपके साथ लिख देगा भाई बी स्केयर प्लस डी स्केयर और प्लस एफ स्केयर, और आप क्या लिखोगे, एच स्क्वायर। अब ये पूछ लेगा तो भी आप डायरेक्ट 7/11 बता दो, अगर वो ये काम हो रहा है तो डायरेक्ट आप आंसर बता सको। अब वापस हम उस क्वेश्चन पर आवेंगे जो हम ऊपर लेके गए थे, अब यहाँ पे ये रहा। देखो अनुपात का मतलब भागी तो वो है ना, ये वो ऊपर के है 3a+5c+7 ही, इस क्वेश्चन में भाई ठीक है, इसमें हटा दूं, अब तो तुम्हें पता चल गया कैसे आया। अब इसका मतलब क्या था, 3a+5c+7e, अनुपात का मतलब भागी तो है 3b 5d और 7f, है ना। अब ए की भी और बी की भी दोनों की 3 से गुणा कर रखी है, इनके साथ भी 5 वही है, दोनों में एक काम है और इसमें भी एक काम है ना, तो एक काम है, तो इनका आंसर कितना आना है, 1/2 आना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना, या आपने वैल्यू नहीं रखनी थी, गुणा वगैरह कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए आपको इसको, इस क्वेश्चन को ये पूछ लेगा ऐसे देके, और ये बोलेगा 3 बोलेगा भाई, अगर वहां पे 5 3 लिख देगा ना, थोड़ा सा मुश्किल बनाती, 5 3 लिख के 3a² + 3c² और प्लस 13 लिख दे, 13e² लिख दे ऐसे, और फिर यहाँ पे क्या करेगा वो बोलेगा 3b² + 3d² और यहाँ पे लिखेगा वो 13 और कितना f² है ना। और जितना भी अगर मैंने 5 3 बोला है तो यू भी डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, 5 3 के बराबर आ जाएगा, अगर मैं बोलता वो वाली चीजें, ठीक है। बात को समझ में आई, तो वैल्यू रख आपको 5 का स्क्वायर 25 या 75, और फिर 25 या 75 150 ऐसे नहीं करना, 25 की 13 की गुणा नहीं करनी, ठीक। अगर इस क्वेश्चन में मैं बोल देता कि किसके बराबर है, 5 और 3 के बराबर है ना, 1:2 की जगह मैं 5 3 दे देता, तो आप ऐसे लिखना पड़ता ना, 25 या 75 25 या 75 और फिर 25 की और 13 की आप गुणा करते, है ना, 25 325 आ जाती है ना, ठीक है। फिर इस तरीके से आप करते भाई, 7 की गुणा 49 दिया, ऐसे करते करते रहोगे, गुणा गुणा में टाइम चला जाएगा, वो ऐसे देगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट आप आंसर 5 3 लगाओगे, अगर ये भी 5 3 के बराबर हो तो। समझ में आ गया अब, ठीक है भाई, सबका समझ में आया ना। हाँ जी ठीक है भाई, अगर नहीं आता तो बता दियो। अच्छा यो क्वेश्चन तो तुमने करके दिखाना पड़ेगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाओ। अब थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे भी ले जाऊं, यो तो तुमने करना पड़ेगा भाई, एक वैसे नई चीज कल वाली क्लास से यहाँ पे इंक्लूड हो रही है, इसमें मैं बताऊंगा क्या चीज ऐड हुआ है। कोई नहीं, करो भाई सारे सारे करो,
इसने बताया 8, 9, 24। हाँ जी ठीक है, बढ़िया, अच्छा बताया भाई। और यो नहीं है कि अब सारे 8, 9, 24 निकालने लग जाओ, इन्हें अगलत भी उसके है, जानते हैं। थोड़ी सी एक बात मैं अपने पास से बता दूं, कभी भी रेशियो ऐसे नहीं रहेगा 1:2 / 1:4 नहीं। अगर ऐसे है तो वो एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ा करे, ऐसा ध्यान रखियो। कभी भी हम यूं नहीं कह सकते ये अनुपात भी बराबर है 1:2 / 1:4, नहीं, वो सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व करने के लिए आप एलसीएम लेकर उसको सोल्व करोगे भाई, लघु उत्तम लेकर जिसने बोल लिया करा। हाँ जी हो गया मंजू, 8, 9, 24। चलो आज देखो एक बार ए बी सी, अब यो तो पता चल गया हुआ ना भाई, देखो एक बार बोर्ड पर देखो, जब मैं समझा लगा तो बोर्ड पर देखना है। ए की वैल्यू कितनी, 2, यो तो पता चल गया हुआ ना। बी की 3 और सी की कितनी लेनी है, 4। और जब हम निन के साथ वो के मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, वो भी हम बताओगे जब जहां पर जरूरत होगी उसकी। तो ए की कितनी हुई, 2, और बी की कितनी है, जो 3 है ना, ये वो कर्मशय में कौन सा हो जाकर, हाँ कर्मशय वाली चीज है। अगर कर्मशय ए बी सी तो कर्मशय 2, 3, 4। तो पहले पे ए है तो 2, बी है तो 3 और सी है तो 4। तो ए बटा बी 2/3 अनुपात, बी बटा सी 3/4 और सी बटा ए 4/2 लिख लो, या इसमें भाई तुम काट के 2 × 4 और 1 नीचे लिख लो, 2 तो काट लो, मतलब 2 तो कटता होगा ना, 2 × 1 = 2, 2 × 4, बात तो समझ में आई होगी ना। 4/2 का मतलब 2/1 रहेगा ना। देखो आगे जब आप लैंग्वेज के क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां पे क्या है, इस तरीके का अनुपात होगा तो हम उसको नहीं मान सकते, हम क्या करना पड़ेगा, वो एक सिंगल लाइन में लेकर आना पड़ेगा, जैसे हम एबीसी लेकर आवा, हाँ तो इस तरीके से यो भी एक सिंगल लाइन में लेकर आना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा भाई, एलसीएम से, लघु उत्तम से। तो इनका लघु उत्तम लो 3, 4 और 1 का, जब अलग अलग है भाग नहीं और आपस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, इनका लघु उत्तम आ गया। 3 × 4 = 12, 4 पे गया और वो 4 की गुणा ऊपर तो आ गया, 4 × 8 रेशो लगा दो, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 रेशो लगा दो, 1 × 12 पे गुणा होगी और 12 की गुणा फिर 2 थे, इस 12 की 2 नहीं हुई, ये 1 कितने पे गया, 12 पे, 1 12 पे गया और 12 × 24 8, 9, 24, ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई 8, 9, 24। बात समझ में आई, पक्का ना, इसके नहीं आओ बता देना भाई, ठीक है। हम अगर ऐसा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा एलसीएम लेके, ठीक। हाँ चलो ये तो तुम ना करके दिखाओ, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका, सारे सारे करके बताओ भाई। तीन, अच्छा आंसर 3 मतलब सी, यो 5, 10, 9। चलो ठीक है, ए बी बी सी और सी ए का वो कॉम्बिनेशन दे दिया, मतलब ऐड कर रखे ना, ए और बी प्लस कर दिए, 2 और 3 = 5 रेशो बी और सी, हाँ ठीक है, बी और सी ले रखा है, ठीक है भाई, 7 और 3 = 10 और सी और ए कहाँ गया, सी और ए, अच्छा डायरेक्ट क्यों लग रहे थे, देखो अच्छा बस 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 एक एक मिनट भाई, नहीं ऐसे नहीं, एक बार ध्यान दे लो, ठीक
चलो एक बार इसमें उठाकर रख दूं, आप देख भाई ठीक हो जाना, बेबड़ा छोटा ठीक हो गया ठीक। चलो मैंने दो तीन चीज लिखी थी, 5 और 10 लिख दिया था आपका और आप समझ गए थे यहाँ पे। ठीक है, ए और बी ऐड होना है, बी और सी ऐड होना है। 5 10 आप देखते, 5 10 आपने मोल लगा दिया, ठीक बात है। एक बार देखो, ए और बी और सी है ना, और सी और ए नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। एक बार बेसिक पे तो आओगे ना आप, ए और बी लगाया भाई कितना, 2 और 3 है ना, और बी और सी कितना होना चाहिए, 3 और 7 होना चाहिए। और कल हमने एक चीज बताई थी, जब बी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो डायरेक्ट ही हम लिख लेंगे ना। देखो एक बार आप इसमें लिखते 3 और 7, फिर 3 से गुणा और फिर 3 से गुणा, 2 3 6 9 21 कटे है, तो 3 2 6 3 3 9, 3 7 21। यानी मैंने कल क्या बता दिया था, अगर बी दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी 3 है ना और वहां पे भी 3 है, तो डायरेक्ट लिख दो 3 है, आप डायरेक्ट लिख देते 2 3 और 7 लिख देते। बस ऐसे बात कुछ समझ में आई होगी, 2 3 और 7 लिख देते भाई ऐसे भी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी बनी भाई, 2, और बी की कितनी बनी, 3, और सी की कितनी बनी, 7। तो उसने कहा ए और बी को जोड़ो, 3 और 2 5। उसने कहा बी और सी को जोड़ो, बी और सी 10। अब उसने कहा ए और सी को जोड़ो, 7 और 2 9। अब इन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, ऑप्शन से बता दिया कि 5 और 10 आना था ही नहीं, मैं था और कहीं पे बन ही नहीं रहा था, तो इन्होंने आंसर बता दिया था भाई। इतना अच्छी चीज थी भाई, एकदम से आपने आंसर बता दिया ऑप्शन देख के, वो अच्छी चीज थी। 5 10 और 9, आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी किसकी, सी की, ठीक बात समझ आई। और ये इसका बेसिक था, और ये फिर आपने एकदम से बता दिया ऑप्शन देख के, हो जाएगा। चलो हाँ, ये आया है अच्छे वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। एक बार लिख लो इस नाव, सॉरी लिखो मत, एक बार वैसे देख लो, ठीक है कोई बात नहीं, देख लो वैसे जो इस नाव है वो 5 10 15 सेकंड है आपके पास, निकाल लो। पांच और 6 और 1 हो गया ना, 12 और 3। चलो सोच लो, कर लो 4 1। हाँ, ठीक है 4 1 करके देखो। चलो फिर करवाऊंगा आपका एक क्वेश्चन भी। चलो आ जाओ, देखो इसमें मैं समझाऊं बिछाते हैं, फिर करियो इस क्वेश्चन में। चलो इसमें छोड़ो, एक दो चीज बताओ मेरे, तो पहले इस क्वेश्चन में बाद में करेंगे हम, बताओ यो चीज किस किसने नहीं आती, ये बता दियो मेरे भाई। मैंने लिख दिया x+y बराबर लिख दिया भाई मैंने 5, ठीक है ऐसा मैंने लिख दिया, और x-y अगर मैंने लिख दिया 1, अगर मैंने लिख दिया 1 छोड़ो उसमें, तो x का मान बताओ और y का मान बताओ। अगर ऐसा है तो आप क्या करा करना, ठीक है एक एक खत्म करना करना अपन ने भाई, यानी प्लस और माइनस का बनाना पड़ा करे। अगर डायरेक्ट आप दो रहो तो अपन ने जोड़ लिया करा, जोड़ दिए मैंने, जब जोड़ांगे तो यो वाई प्लस का यो माइनस का दोनों कट जाएंगे ना। अब मैं कह दू माइनस का 2 और प्लस का 2, तो 2 में 2 गया 0 तो आना था, है ना इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स और एक्स जुड़ के कितने बन गए, 2x, और ये भी जोड़े हैं मैंने तो कितने हो गए, 6। तो एक्स यो 6 नीचे चला जा रहा है, गुणा में है भाई, और बराबर का हो तो नीचे चला जा रहा है, भाग का हो जाया करे, गुणा का है तो भाग का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 6/2। ये कितना आया भाई, एक्स की वैल्यू आ गई भाई 3, एक्स की 3 आई, और फिर एक्स और वाई 5 बने हैं, तो एक्स 3 हो गया, और वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 में तो 3 गया, 5 इस साइड था और 5 में तो 3 गया, y की वैल्यू कितनी बनी, 2। या सब सब नाम है भाई, जिसने नहीं आती आप समझ लियो, ठीक।
इस तरीके से आप एक्स और वाई का मान निकाल सकता है। एक्स प्लस वाई 5 थे, एक्स माइनस वाई 1 था, तो मैंने दोनों जोड़ दिए है ना, दोनों जोड़ दिए, तो एक प्लस का एक माइनस का। देखो अगर मैं लिख दूं 2 प्लस 5 और मैं यहाँ पे लिख दूं भाई 3 माइनस 5, और मैंने कोई सारा ना जोड़ो, मैं कह भाई ना सारा ना जोड़ो, तो आप क्या करोगे भाई इस तरीके तो जोड़ोगे ना, पर नो बेरा यू 5 प्लस का यो माइनस का कट जाएगा, 3 और 2 5 है ना भाई, इस तरीके से। तो मैंने ये जुड़वाए थे भाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मैंने कहा था जोड़ो, यो प्लस का था यो माइनस का था, कट गए कोई बात ना, और यो एक्स और यो एक्स जुड़ के कितने हो गए 2x, और 2x बराबर 6, x बराबर ऐसे ऐसे अपना x आ गया था, और इस इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर 5 मैंने मान रख दिया था भाई कि भाई x प्लस वाई 5 है, तो x का 3 आ गया, y बराबर युग जाएगा घट गया y 2 आ गया। बात कुछ समझ में आई? पक्का ठीक, चलो ये सब ना हो भाई, ये चीज बहुत बढ़िया। चलो ये अब भी एक क्वेश्चन पे नहीं आते हम इस पे, जब आपने सड़स वाला क्वेश्चन करा था तो एक एक आपने एक चीज जरूर करी थी भाई, मैंने था एक क्वेश्चन दिया था 0.6 × 0.6 × 0.6 − 0.3 × 0.3 × 0.3 और नीचे ऐसा कुछ दिया था, तो आपने डायरेक्ट 0.6 में से 0.3 घटा दिया था, आपने करा था ना ऐसा, और वहां पे मैंने आपको बेसिक बताया भी था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने आपको एक फॉर्मूले दिए थे एक दो याद करने के लिए, और वो मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, वो ऐसे थे a³ − b³ ऐसे दे रखा हो, तो इसका फॉर्मूला a − b ऐसे है ना भाई, और आगे क्या a² + b² + ab या ए बी बीच में रख लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ दिया था। एक मैंने और फॉर्मूला बताया था जैसे कल भी उसका जिक्र आया था, अगर a² − b² हो तो a − b और a + b, कल भी हम ये चीज कर रहे थे है ना, ठीक है। तो अब ये चीजें देख कर आप यहां पर आओ एक बार, इसमें उसने क्या लिख रखा है भाई x³ − y³, और अनुपात का मतलब भाग है, किससे x² से और y² से, अब मतलब बीच में xy लिख दिया कोई बात नहीं, और xy इससे भाग है, और किसके बराबर भाई 5:1 यानी 5/1 इतना है, बात समझ में आई भाई, ठीक ऊपर। अब a³ − b³ का फॉर्मूला, अब इसने a मान लो चाहे x में y मान लो कोई फर्क ना पड़ता, अब इसने क्या लिखोगे आप x − y और ऊपर x² + y² और प्लस क्या xy, और नीचे क्या है, ये तो है x² + y² और xy भाई, इससे यू कट जाएगा, इससे कट जाएगा ना, ऊपर के बचा x − y, ऊपर के बचा भाई x − y, और x − y किसके बराबर बच गया, 5 के बराबर बच गया ना, x − y किसके बराबर बचा भाई 5 के बराबर, ठीक है भाई। थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं कि भाई मेरा x − y किसके बराबर बच गया भाई 5 के बराबर, ठीक। अब मैं सेकेंड इक्वेशन पर आया, देखो टायर 2 का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा, बट कुछ एक चीज आपको याद होंगी तो इतना भी लगाना पड़ेगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। x² − y² अब क्या दे रखा है भाई x² − y और अनुपात में x − y 7/1, ठीक है भाई। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा x² − y² और नीचे x − y और किसके बराबर 7 और 1 के बराबर है ना, तो x² − y² में क्या लिखोगे x + y और x − y ना, और उसके नीचे क्या है x − y, तो इससे कटेगा, तो x + y किसके बराबर आ गया 7 के बराबर, तो यहां पे भाई x + y किसके बराबर आया 7 के बराबर। अब मैंने दोनों जोड़ दिए तो ये कटेगा 2x बराबर 7 और 5 = 12, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्योंकि 2 नीचे जाया गया है भाई, x की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई। अब x 6 है और कितना घटाए पास 5 आना चाहिए, 1 घटाए पास 5 आना चाहिए, ये वो ना x की वैल्यू 6 बन गई और y कितनी बनी 1, या फिर आप x - y लिखते हैं 6 - y = 5,
और वाई उस साइड चला जाता, पांच इस साइड आगे घट जाता, वाई की वैल्यू कितनी जाती एक। तो भाई एक्स की वैल्यू तो छह होगी और वाई की कितनी होगी एक, एक्स की वैल्यू कितनी होगी छह और वाई की कितनी हुई एक। तो आप क्या लिखोगे, छह दुनी बारह, क्या लिखोगे भाई, छह दुनी इसमें उत्तर कर दूं, ठीक है, छह दुनी बारह और एक की गुणा वाई से करोगे तो तीन एकम में तीन, तीन चौके बारह, एक चार अनुपात एक, इस तरीके से चार अनुपात एक आया है। थोड़ा सा अब एक बार और रिपीट कर दूं भाई, आप कंफ्यूज ना होगे, देख लो ओहो, क्यों तो भाई सवाल ले रहा है बोर्ड तू, हटा लू देना तो पड़ेगा भाई, चलो कोई ना भाई एक बार और कर लेंगे, आप अभी तो इसके सवाद ले रहे हैं आपको है ना बोर्ड के और के, चलो चलो इतना ही बतेरा भाई बस। देखो अब आपने पता चल गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऊपर है और नीचे क्या है ए के, अब ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ले लो चाहे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई है, तो आपको पता है कि नीचे वाला ऊपर वाले तो कटना है, ऊपर के बचेगा एक्स माइनस वाई बचना है, और x माइनस वाई किसके बराबर बचना है भाई, पांच बटा एक है तो पांच के बराबर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई ऊपर, और नीचे भाग में क्या था x माइनस वाई, x माइनस वाई से कट जाएगा x प्लस वाई बच गया ऊपर, वो कितना था सात। अब आप देखते हैं x प्लस वाई कितना सात, देखते ही समझ जाओगे, दो एक्स बराबर बारह, एक्स की वैल्यू कितनी छह और एक वाई की आ गई तो छह दुनी बारह और तीन एकम तीन चार अनुपात एक, समझ में आया, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है भाई a माइनस बी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो आप लगाना है। अब आप समझ गए, जब आप रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है भाई। हाँ जी चलो आगे चलो भाई, यो जल्दी बताओ बिना लिखे बताना भाई, ना 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 ना, ना बिना लिखे बताना, हाँ जी ये तो बिना लिखे बताना भाई, बिना लिखे बताना है। अरे मैंने मैंने कह दी बिना लिखे बताना भाई, बिना लिखे डी है, और नवीन ने बताया भाई एक दो छह और कौन सा बताना, चलो आ जाओ एक बार देख लो, मैंने कहा था बिना लिखे बताना है, एक बार क्या कहा था बिना लिखे, एर बी का अनुपात दो एक होना चाहिए और एर सी का एक तीन होना चाहिए, एर बी का दो एक और ए बी सी पूछा है, दो एक बना है ना बनता भाई, दो एक बना है ना बनता भाई, यो बना है ना बनता भाई, यो बना है यो तो बन गया है ना, दो एक भाई ए बी का तो दो एक रहेगा तो कितने लिख रखे हो, अरे एर सी का एक तीन रहेगा तो कितने लिख रहा है, क्यों एक तीन आड़ा बनाया था ना बन रहा हूं दिखा रहा हूं, एक आड़ा छह बन रहा है, आड़ा तीन एक उल्टा बन रहा है, और दो और छह काट के लिखोगे तो एक अनुपात तीन में तो आओगा, आई बात समझ में, देखो वो उसका क्यों गलत हुआ, अब याद चीज भी बेरा ना चाहिए तुमने कि उसका क्यों गलत हुआ, मैं बताऊं बता दिया मैंने, झूठ बोली कि ना बोली, ठीक है झूठ नहीं मतलब भाई वो उसका अंदाजा गलत हो, उसका झूठ तो क्यों बोलूंगा, अरे कहाँ गया भाई, ठीक देखो उसने क्या करा, और आप भी ऐसा करते अगर मैं बिना लिखने की नहीं कहता तो आप तुम्हें, उसने लिखा ए और बी, ए और बी लिखा उसने दो और एक, फिर उसने ए और सी लिखा, क्या लिखा ए और सी, और फिर उसने लिख दिया कितना एक और एक और तीन, नहीं हाँ मतलब एक और तीन ए और सी है ना ऐसे ना, तो दो है हाँ मैं बता रहा हूँ थरते ही भाई, मैं चीज बताना चाह रहा हूँ थरते कि भाई ए और सी का लेना है, अब आपने कौन सी, अब यहाँ पे आप नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन वाली चीज के साथ लेना था, तो आपको मैं प्रॉपर वे बताना चाह रहा था कि आप ऐसे लेते तो गलत हो जाता, दो एक तीन ऐसा कुछ बन जाता, बस ऐसे नहीं करना था, देखो मैं बताऊं आपने वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था,
कि अगर ऐसा हो जाए तो डायरेक्ट गलत मत करियो, ए और बी कितना है, दो और एक, दो और एक है ना। अब ए और सी दे दिया, ए और सी, यो मत कर दियो कि ए के नीचे तो आप एक लिख दो और सी का खाना बना के और इतनी दूर छह लिख दो, यो कितना तीन लिख दो, ऐसा मत करियो। ऐसा मत करियो कि यहाँ पे सी लिख के और एक इसके नीचे लिख देते और कितना सी के नीचे तीन लिख देते, इब तीन के आगे तीन कर देते और एक के पीछे एक कर देते, मेरा ना क्यों हो जाएगा भाई, है ना। ऐसा नहीं करना था आपको, क्या करना था आपको, करना था ऐसे। अब जब तक हम देखते आए हैं ए बी और बी सी होता था ना, तो उसके कॉमन वाले के नीचे कॉमन वाला लिखते थे ना, और फिर उसके पीछे खाली जगह थी तो हम लिख देते भाई। तो ए बी दो एक था और ए सी एक तीन, ए के नीचे एक और सी इस तरफ ले आओ, कोई बात ना, एक तीन हो गया, ठीक है ना। अब बीच में इनके कोई नहीं आया ना, तो एक के पीछे खाली जगह है और दो के आगे खाली जगह है, तो दो तिया छह, एक दूनी दो, और ये कितना बनया एक। तो वो थोड़ा यहाँ पे काउंटिंग में गलती रहेगी भाई आपकी। अब उसने बोला ए बी सी, तो पहले पहले लिखो और बी कितना एक और फिर सी कितना छह, तो दो एक छह आना था भाई इस तरीके से, ठीक है। अगर बेसिक पे आप जाना चाहो तो दो एक छह इस तरीके से होना है भाई, ठीक है। ए बी दो एक और ऐसे आपने ये भी लिखना था, ऐसे जो भी है आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से, ठीक। किसी को ना समझ आए तो बता दीजिए, ठीक है। हाँ जी, अच्छा चलो ये तो सारे बताओ भाई, निम्न में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है, बताओ सारे के सारे। निम्न में से क्या सही अनुपात को दिखाता है, सबका ये आया, क्योंकि अनुपात बराबर होना चाहिए। किस तरीके से ये आया भाई अंकित, क्या है कि 12:9 का मतलब 12/9 और बराबर दे रखा है 16/12 के, देखियो कट के कितना है, 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, 4 6 16, 4/3 था, ये भी 4/3 आ गया, तो यो ठीक है, और में नहीं बनेगा। ये 13/11 5/4 के बराबर नहीं हो सकता भाई, ये 13/11 5/4 के बराबर नहीं होगा, 30/45, 10 5 6 30 और 5 9 45, 2 3, हाँ 2 3 हो जाता, 15 9 30, 15 3 45 हो जाता, बट वो 13 24 से कटते नहीं। अब ये 3 5 है, 2 5 है, तो कौन सा सही है, ये वाला सही था, ठीक है। चलो अगला देखो तो, हाँ ये ठीक क्वेश्चन है वैसे, बताओगे तो बताओ, यू आंसर है बताओ। इब अरे, हाँ चलो ठीक है, दो ऑप्शन हो गए, हाँ फिर भी ठीक है, कोई बात ना, हमारे तुक्के भी ठीक पा गए। हाँ, ठीक है, बढ़िया भाई, 8/12/15 सब निकाल लो, 8/12/15, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ पेपर में किस तरीके से करना है आपने, ठीक है, 8/12/15 सबका ठीक है। चलो एक बार देखो, एक बार देखो भैया, अब यूँ नहीं कि मैं इसका करते याद करके आया था, हाँ यो मैं सोचियो एकदम तर लगा दिया सर ने कि करते याद करके, ना अभी ऐसे कुछ नहीं है, बस देखो। अब आप आते बी का माने गुणा हुआ करे भाई, सारे देख लो एक बार, का माने क्यों आ रहा है गुणा, ठीक। तो ए और बी लेकर आते आप, ए बटा बी बन जाता ना, तो ए बटा बी कितना होगा, 2 और 3, यानी ए अनुपात बी, एक बार बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूं भाई, 2 और 3, और फिर बी और देखो बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5, तो यहां से बी बटा सी हो जाता है, क्योंकि सी का मतलब बी गुणा था, बीच में लेकर आओ, सिक्का का मतलब बी गुणा था, तो बी बटा सी ऐसे हो गया ना, तो कितना बच गया, बच गया भाई 4/5, तो आप लिखते 4 और सी आप लिखते 5, तो 3 के पीछे खाली जगह और 4 के आगे खाली जगह, तो 8 12 और 15, 8 12 और 15 इस तरीके से अपना आ जाता। देखो मैंने क्या करा क्वेश्चन में, मैंने देखा ए बराबर बी का 2/3 है, ए बटा बी बनेगा, दिमाग ने कहा ए बटा बी बनेगा, और ए के सामने 2 रहा होगा और बी की 3, यानी ए अनुपात बी 2 3 होना है, ए बी कितना होना है, 2 3,
और इसी तरीके से मैंने देखा बी सी कितना होना, 4 5, तो ए देखा मैंने 2 और 3, क्या यहाँ पर 2 3 है, 3 2, ए और बी कितना है, 2 3, हाँ ए और बी 2 और 3 चाहिए ना, 2 और 3 नहीं है भाई, भाई 5 6 15, यहाँ पे भी 3 2 नहीं है, 2 और 3, 5 2 10, 5 6 15, 2 3 है, 4 2 8, 4 3 12 है, दोनों में हो गया, तो मैं बी सी पे गया, बी सी में दिमाग ने सोचा 4 और 5, भाई 4 और 5 क्या आवे है, 5 4 आवे भाई, ना गलत हो गया, तो ये बच्चा होगा, ठीक है, तो ए बी 2 3, भाई 4 2 8, 4 3 12, बी सी 4 5, 3 6 12, 3 5 15, हाँ जी ये था, तो 8 12 15, बात समझ में आई, इस तरीके से, ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए और आपने फिर वैसे पेपर में करना है, ठीक, चलो ले बता दो भाई, इस क्वेश्चन में करके जल्दी से बताओ, जल्दी चलो जल्दी बताएं, 3 2, ठीक है भाई 3 2 बस, ठीक है कुछ था ही नहीं, तीन दो आ गया ना, क्या दे रहे सारे के सारे, 4 3 12 और 7 2 14, और पी बटा क्यू 3 बटा 2 है ना, इतना ही था, बट आपके दिमाग ने किया कैसे किया, थोड़ा सा आपका दिमाग भी चलेगा भाई, इस वजह से बता दूं कि आपके दिमाग ने क्या काम करा है, पी का 4/7 लिखा होगा आपने, है ना, और फिर क्यू का 12/14 बराबर है, या तो आप पी बटा क्यू लेकर आओ, या फिर हमने कितनी बार कर लिया कि अगर बराबर में है तो काट लो, अगर बराबर में तो ऊपर ऊपर वाले कट जाया करें, क्योंकि जो 4 गुणा का है नीचे जाकर भाग का तो होगा ना भाई, है ना, और ये 14 ऊपर आओगा, तो मैंने क्या करा, अगर कटते हो तो काट लिए, 4 3 12 लिख दिया और 7 2 14 लिख दिया, अब कुछ ना बचा तो पी बाई क्यू लिख दिया, क्यों नीचे आ गया, ऊपर कितना बचा, 3 और 2, बस पी 3 है क्यू 2 है, बात समझ में आई भाई सबका ही, या फिर आप बिल्कुल और क्या करते, अगर दिमाग नहीं पकड़ पा रहा इस चीज में, तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूं कि क्या है, हाँ जी अभी बताइए, 1 मिनट प्रीति बस अभी बताइए, हाँ जी हाँ भाग में, हाँ जी देखो एक बार, इसने पूछा अगर 4/7 और भाग में कितना हो, 12/14 हो, तो इसको ऐसे सोल्व नहीं करा करा, इसका तरीका है 4/7 और गुणा करके लिखना पड़ेगा, भाई गुणा करोगे तो आप पलट जाओगे, 14/12, ऐसे सोल्व होगा भाई, भाई 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 एक एक बार देखो, एक बार इन्हें कह के रखा क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, एक बार देखो, एक बार उल्टे आओ, था पी का 4/7 भाग, ऐसे बोल रखा है इसने, पी का 4/7 भाग क्यू के 12/14 भाग के बराबर है, तो पी का 4/7 भाग, पी का 4/7 किसके बराबर है, क्यू के 12/14 के बराबर है, तो मैंने पी और क्यू निकालना था, तो देखो पी और क्यू निकालना, पी अनुपात क्यों निकालना है, तो पी यहां पर रखो, उस क्यू ने नीचे ले आओ, और 12/14 तो उधर ही रहा है ना भाई, तो ये 4 ऊपर गुणा का है नीचे चला जाएगा भाई, जो नीचे हो ना उसके अगला चला जाएगा, और ये 7 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करती है वो चीज है, तो 7 2 14 होना था और 4 3 12 होना था, जो कितना बचा भाई, 3/2 बचा, तो पी बराबर 3 और क्यू बराबर 2, अच्छा, यो इसने कहा उसका भाग है, यो पी का 4/7 भाग इसका, पी का 4/7 किसके बराबर है, क्यू के 12/4 भाग के, इस तरीके से, कोई नहीं अब क्लियर हो गया, ठीक के तीना हुआ, देखिए क्या, हाँ
भाई ऐसा है, ऐसा मान का माप मत करना ऐसे भी, ठीक है। देखो, अरे तू इसमें क्या लिखेगा, पी का तीन है, पी का तीन लिखेगा ना, किसके बराबर आया, क्यू के दो, तो पी कितना बन गया भाई, कुछ के रखिए कर दोगे, ऐसा नहीं सोचा तो ना, ठीक है, बट तू उसने अप्लाई नहीं कर पाया, बस यो फर्क है तेरा, फिर की हो जाएगा वो तीन हिस्से थे, ठीक है मामा, ने ऐसा नहीं करना, ठीक, चलो देखो, अब लिखना भी इसमें भी कुछ नहीं था, पी का 4/7 था, किसके बराबर, बराबर किसके होना है, 12/14 के, तो बराबर होनी है दोनों चीज, तो मैंने क्या सोचा, 4 3 12 और 7 2 14, अरे क्यों ने मैंने चलिया, पी बटा क्यों 3 और 2 का, पी के सामने 3 है, क्यों के सामने 2 है, कुछ लिखना ही नहीं था, 3 और 2 आना था बस, बात कुछ समझ में आ रही है, पर लेपट रही ना थोड़ी थोड़ी, चलो यू तो बता दो यार, दो अच्छा गलत लिख रखा है भाई इसने, 2 अनुपात 16 ना, तो गलत लिख रखा है, बताओ, हाँ भाई चलो ठीक है ना, ये स्पीड के दीवाने हो हैं दो चार, हाँ, और ई मत लगा क्या ना, चला जाओ देखो एक बार, पी क्यू 9 7 है, पी 9 और क्यू कितना 7, पी कितना भाई, पी और क्यू, अब पी 9 और क्यू कितना 7, ठीक है, और पी माइनस क्यू देखो 7 में, 9 में तो 7 घटा दिया, 2 आया ना, बताया भाई 2, और रेशियो पी प्लस क्यू और 9 और 7 16, और 2 अनुपात 16 ऑप्शन में है नहीं, तो उसने क्या करा, 2 1 2 2 8 16, 1 अनुपात 8, ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है ना, आसान क्वेश्चन भी 2018 का आया हुआ है भाई, आसान भी हो जाए, आ जाए अगर आसान, कौन सी चीज हो जो आप कर ले ना वो है आसान हो जाए, मेन बात यह है, अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आपने कर नहीं रखा बस इतना सा फर्क है, बस एक बार इसने अब कुछ करके बता सको तो मेरे तेन्यू है भाई, इसने 20 23 बता दिया, ठीक है, अब x का 3/5, x गुना 3/5 लिखोगे और y के 4/9 के बराबर, कुछ नहीं कटता ना ऊपर ऊपर से, कुछ नहीं कटता ऊपर ऊपर से, कुछ नहीं, तो आर पार गुना होनी थी और x y इधर रखने थे, x बटा वाई, और 9 27 तो नीचे हो जाएगा और 20 ऊपर हो जाएगा, 20 ऊपर 27 नीचे, मतलब 20 अनुपात 27 है, इसका डायरेक्ट 20 अनुपात 27, एकदम देखते बता दोगे, बाकी अगर और आप वो करना चाहो इसमें तो आप ऐसे लिखते भाई, एक्स का कितना था बता दो, 3/5 बराबर वाई का कितना 4/9, ठीक है ऐसे ही तो था, एक्स और वाई नीचे लेकर आते और 5 ऊपर जाकर 20 और 3 नीचे जाकर 27, तो एक्स अनुपात वाई कितना भाई 20 अनुपात 27, ये चीजें थी है ना, देखते ही आप बता दोगे इसको 20 और 27, ठीक है, नहीं उठता, ले भाई 20 27, अब ठीक है, अरे फिर रह गया, रहने दे छोड़ दो, आगे चलो, ओहो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है बता दो, बताओ सारे सारे, और मैं क्या इस फॉलो करते याद नहीं कर रहे हमको, तो देखते कट जाए, भाई एक बार कुछ और सोचने से पहले एक बार मेरी सुन लो, क्योंकि आप बिना ना के सोचे पाओगे, एक्स इसका मतलब गुणा में तो है, इसका मतलब तो सबने बेरा वही गुणा में है, 3/2 एक्स गुणा में और वाई गुणा में 5/7,
तो एक्स अनुपात वाई कितना निकलेगा, एक्स बटे वाई होगा, और यो 7 * 21 और 5 * 10 यू तो होगा। एक बार इन दोनों को दिमाग से सोचो भाई, एक्स बटे वाई तो होना है, वाई नीचा आ जाएगा और यो 3 नीचा होगा और 10 ऊपर जाओगा। ऊपर एक्स है तो एक्स की वैल्यू 10 बनेगी और वाई की कितनी बनेगी, 21 बनेगी। अरे एक्स और वाई का अनुपात 21 बनना, 10 * 21 बनना है। 10 और 21 इसमें बने कोना, 21 10 21 10 बनेगा कोना, इसमें ना बने 24 25 रहा, 5 5 7 कोना, यो बच गया बस इतना आंसर। दिमाग ने क्या चीज सोची, अब जो दिमाग ने सोची वो मैं लिख कर बता रहा हूं कि 3/2 x ऐसे था, ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है भाई गुणा हो गया, 5/7 y था, 5/7 गुणा y था, आगे मैं ना गया। एक बार मैं दिखाऊं तो एक्स बटे वाई पिछले क्वेश्चन में तो करा था, ये 2 ऊपर जाओगा, 5 * 10 और 7 * 21 है ना। और फिर आप क्या सोचते, 5/7 y बराबर किसके, आप लिखते भाई पांच बटा सात वाई आप किसके बराबर लिखते, 6/5 z के। अगर ऊपर ऊपर वाले बराबर हैं तो काट दो, कोई फर्क ना पड़ता, अब नहीं करते तो छोड़ दो, तो भाई y बटे z करना पड़ेगा ना, y बटे z, y बटा z करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे भाई, 7 * 42 और 5 * 25। अब देखो या तो आप इसको ऐसे लेके आते, फिर x और y कितना, 10 और 21, और y और z कितना भाई, 42 और 25, और फिर देखो कितना जेड। अगर पेपर में आड़े भी चले जाओ ना भाई, फिर भी दिमाग नु काम करा चले जाओ, तो आपने 42 आड़े लिख लियो और 21 आड़े लिख लियो, फिर भी गुणा मत करियो मेरे भाईयो, अगर दिमाग यहाँ पे भी ले जा तो एक इन मत कटता हो तो काट लियो, किस तरीके से, 21 21 और 2, और फिर गुणा कर दियो, 10 * 20 कितना, 42 और फिर 25, फिर कदे गुणा करो और फिर काटो, यो काम मत कर दियो, 20 42 25। बाकी पेपर में करना ही क्या था, कुछ भी नहीं, मैं बस खाली यो क्वेश्चन होना चाहिए मेरे सामने, x और y, x बटा y बनना है, 5 * 10 जाना, 7 * 21 होना है, x बटे y, x के सामने 10 आना चाहिए, y कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए, ठीक है 10 21। अगर दो ऑप्शन हो जाता है इतना था, तो फिर y और z देख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वाई बटा जेड 42 और 25, तो 42 * 25 होना चाहिए, ये रहा मेरे भाई, और कहीं था ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से एकदम तो आप उसने कर पाओगे, वीडियो आप देख, हाँ जी भाई, वो कब आओगा, जब x की वैल्यू 2/3/2 होगी ना तो आओगा, x की वैल्यू अब 5/7 है, गलत कर रहा तू, x की वैल्यू 5/7 है और y की वैल्यू 3/2 है, और देखो अब y की वैल्यू यहाँ पे 6/5 भी है, वो लघुत्तम कब लेना है, जब डायरेक्ट आप ये लिखोगे ना कि मैं लिख दूं x की वैल्यू इतनी ही है बस, और y की वैल्यू इतनी ही है, और z की वैल्यू इतनी ही है, तो आप लघुत्तम लेते, अभी गुणा में है भाई, गुणा वैल्यू नहीं है वहां पे, ठीक। अब आगे बात समझ भाई, ठीक है चलो समझ गए आप, थोड़ा आगे चले भाई, बते रहोगे, ठीक है भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी एक दो क्वेश्चन बढ़िया वाला करवाना चाह रहा था मैं, चलो वो चलो ठीक है, वैसे बता दो मैंने क्वेश्चन एक बार, देखो समझ के थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया एक बार बताओ, ए और बी का रेशियो कितना बनेगा, मैंने ये बताओ एक बार, इसने देख बिना बिना लिखे, बिना लिखे बताओ भाई, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, सारे के सारे बताओ, देखो एक बार इसने क्या बताया, ए बटा बी होना है तो कटता नहीं, तो भाई 5 * 15 होना है और 4 नीचे जाना है, ए बटा बी तो ए 15 बनना है और 4 नीचे आया तो बी 4 बनना है, ए 15 बनना है, 15 * 4 बनना है, अगर कट कर 15 * 4 कितना आ रहा तो सीधा इसने बताया सी ऑप्शन हो गया भाई, सी ऑप्शन होगा, कहाँ गया ये हो गया, या फिर आप करते रहो, इसने भी देख लो बी बटा सी, 3 * 3 = 9, बी तो 2 ही रहना है और सी 9 बन जाना है, बी 2 ही रहना है और सी 9 बन जाना है, तो देखियो 4 और 18 ने 2 * 2 = 4, 2 * 2 = 18 बन गया ना, 2 और कोई डाउट भाई, कोई डाउट नहीं ना, एक दो अच्छा क्वेश्चन बाकी रह गया था तुम नहीं कह रहे तो चलो उस समझ में भी नहीं आओगा, और आसान सा क्वेश्चन है मैं चलो करवा दूंगा, बाद में करवा दूंगा।
बस ये वो सम कर देख, जहां तक भी था तो वो कर लियो, वो 3/4, अब एक्स बटे वाई बोल दिया, वाई बटा जेड, जेड बटा एक्स, अगर नहीं कट रही तो लघुत्तम लेके इसने सोल्व कर दियो। हाँ, अब लघुत्तम लेके आप इसने सोल्व कर दियो, ये थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी करवाऊंगा ये क्वेश्चन कल भी, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई सोल्व कर लियो, इसमें हो जाएगा, है ना। वो 3/4 और 3/4 कितना, फिर 4/5 और 5/4 मान चुका, 20 या 60 लघुत्तम हो जाएगा ना, 15 या 45, 45-48 देखियो। हाँ पांच सौ का 20 या 60 था, ठीक है भाई, बस ऐसे ही। हाँ आप वो लघु कदे भी अनुपात ऐसे नहीं माना जाओगा, लघुत्तम लेकर आपने सोल्व कर लेना है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, रह दो 10-12 क्वेश्चन गए, बट इसमें 2-4 अच्छे क्वेश्चन हैं, वो आप एक फ्रेश माइंड से ही समझ पाओगे, और आप अभी मना कर रहे हो तो मैं कैसे समझा सकूंगा फिर, ठीक है ना। तो घर पे पढ़ करना है भाई सारे ने, और मैं अपनी पहली क्लास भी आपको अब देख लेंगे, उस थोड़ा एडिट करके उसने डाल लेंगे, एडिट नहीं मतलब उसका भाई वो जिप भी बहुत ज्यादा उसके, वो कम कराएंगे, ठीक है। चलो ठीक है तो भाई, हाँ समझे, हाँ आप पीडीएफ अब डाल दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, हाँ जी।